फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो पुरानी सी बेकार सी मैक्सियाँ होती है ना, जो पहनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और बिल्कुल बेकार से जाती है, होजरी कपड़े की है, तो इसी का मैं आपको बहुत ही अच्छा यूज़ बताने जा रही हूँ। और इसे हमें सिलने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस देखिए मिनटों में ही इस मैक्सी का हम कितना अच्छा यूज़ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम मैक्सी को कर लेते हैं उल्टा। तो ये देखिए हमने इसको मैक्सी को ऐसे हमने उल्टा कर लिया है और आप देख सकते हैं फटी भी हुई है, काफ़ी बेकार सी मैक्सी है। तो बस अब हम इसका यूज़ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें लगा देंगे एक गीठा। तो यहाँ से ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें लगा दी है, ये देखिए एक गीठा। तो ये देखिए इस तरह से ये गीठा लग गई है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये मैंने इसको ऐसे कर दिया है। तो ये कुछ हमारा इस तरह से तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से तैयार हो गया है। और अब हम इसमें क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं ना जो कि अभी हमें पहनने नहीं हैं और हमें रखने हैं, और रखने में हमें जगह नहीं मिलती कि हम क्या कहाँ रखें, तो उन्हीं कपड़ों को मैं इसमें अभी फिल करने वाली हूँ। तो ये देखिए इस तरह से जो कपड़े अभी हमें यूज़ नहीं करने हैं हम सारे कपड़े इसमें भर देंगे। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि मान लीजिए अभी पहनने में नहीं आ रहे हैं तो उनसे जगह भी अलमारी में पूरी घिरी रहती है, तो उसको हम इस तरह से इसमें भर के रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसमें इतने सारे कपड़े भर दिए और आप देख सकते हैं कि अभी इसमें जितने मैंने कपड़े भरे हैं इतने ही और आ जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो बस हमको जितने कपड़े भरने हैं हमने उतने भर लिए, अगर और चाहें तो और भी भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने ही हैं तो मैंने फिलहाल के लिए इतने ही रख दिए हैं। और जब और हो जाएंगे कपड़े तो मैं इसमें और रख दूँगी। और अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमें इसकी बना लेनी है चुन्नट। तो ये देखिए मैं इस तरह से ये इसकी चुन्नट बना ले रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से कुछ ये इस तरह से बन गई है चुन्नट। और इसको हमें ना काटना है ना सिलना है, हमने कुछ भी नहीं करा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और ये अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं किस तरह से इसको बनाऊंगी। तो ये मैंने ले लिया है और अब हमको चाहिए इसके लिए एक रबड़। तो ये देखिए ये मैंने लिया है एक बालों में लगाने वाला रबड़। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लगा दूँगी, ये देखिए। और जब हम इसमें और कपड़े भरने हो तो हम ये आसानी से रबड़ निकाल लेंगे, तो और इसमें हम कपड़े भर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये एकदम हमने गोल गोल बना के रेडी कर लिया है, ये देखिए ये कुछ इस तरह से हमारा बन के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि ऐसे भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो ये एक हमारा बैठने के लिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छा सा तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसको हम साइड में रख देंगे और ये रखा हुआ भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। अब देख सकते हैं कि ये रखा हुआ भी कितना अच्छा लग रहा है। फिर हमारे पास इस तरह का कोई भी क्रोशिया कवर होगा तो वो भी हम इसके ऊपर इस तरह से ढक देंगे तो भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। और चाहें तो इस तरह से इसके ऊपर बैठ भी सकते हैं
और ये बैठने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, अच्छा लगता है बैठते हुए भी, इस पर काफ़ी स्पंजी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इसका हमने यूज़ कर लिया है। आई होप आपको ये मेरी टिप पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।